अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन एट फ्रेश फ्रॉम द अवंस। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सबका रमज़ान बहुत बेहतरीन जा रहा होगा इंशाल्लाह। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लशियस डिकेंडेंट ड्राई फ्रूट योगर्ट केक एंड दैट टू विद होममेड कैरमल सॉस, जो कि हम बनाएंगे घर पे फ्रॉम स्क्रैच। एंड एंड पे मैं आपको इसको सॉल्टेड कैरमल में कन्वर्ट करने का तरीका भी बता दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिंपल कैरमल सॉस की बजाय आप लोग सॉल्टेड कैरमल यूज़ करें तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। अगर आपके पास घर में बेसिक इन्ग्रीडियंट्स लाइक एग्स, योगर्ट, मैदा, चीनी एंड हैंडफुल ऑफ नट्स पड़ा हुआ है तो आप ये केक आराम से बना सकते हैं। दिस विल बी अ 2 pound केक जो कि आप ऑलमोस्ट 10 to 12 persons को आराम से सर्व कर सकते हैं। दिस कुड बी योर परफेक्ट गो टू ईद केक टू, बिकॉज ये बहुत देखने में बहुत प्लीजिंग टू आइज है, वेरी लशियस, बट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की क्रीम्स यूज़ नहीं हुई हुई और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। सो दिस कुड बी योर परफेक्ट चॉइस फॉर ईद ट्रॉली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, बेसिक मैदा, दही, बेकिंग पाउडर, अ हैंडफुल ऑफ नट्स, ऑयल, कैस्टर शुगर, इसके अलावा 2 अंडे, वनीला एसेंस, लेमन जूस, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड दैट्स इट। और हम इस केक को बनाएंगे बंच पैन में, इसको फ्लूटेड पैन भी कहते हैं। और इसको जो हम ग्रीस है वो ऑयल से नहीं करेंगे, बटर से करेंगे। बटर से ग्रीस करने के बाद मैंने ये कुछ बादाम और 1 tablespoon मैदा जो है इसको मिक्स कर लिया था, बादाम को क्रश किया और मैदा इसमें 1 tablespoon मिक्स करके मैंने इस तरह से बंच पैन को अच्छी तरह से इससे डस्ट कर लिया। और मक्खन से ग्रीस करने का मकसद ये है कि जब मक्खन के साथ आलमंड्स रोस्ट होंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरोमा प्रोड्यूस करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, फ्लूटेड पैन को हमेशा बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने ग्रीस करना है और डस्ट करना है, बिकॉज इसमें से केक निकलना थोड़ा मुश्किल होता है और अगर आपकी इतनी मेहनत हो और अगर आपका केक टूट जाए तो दैट इज़ वेरी हर्टिंग। सो आई वुड से कि आप इसको बहुत अच्छी तरह बार बार से चेक कर लें, घुमा घुमा के, वॉल्स भी, साइड्स भी, बेस भी, कि ये हर तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। जो इसमें एक्सेस आलमंड्स और मैदा है उसका मिक्सचर मैंने निकाल लिया था। अब मैंने एक बोल में तोड़े 2 अंडे एंड आई जस्ट स्टार्टेड बीटिंग देम। इसके साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। ये आप लोग देख सकते हैं, सॉल्ट ऐड करने से, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अंडे जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बहुत अच्छे से इनकी बीटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। 60 seconds इसको बीट करने के बाद जैसे ये पेल होने लगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2/3 cup ऑफ कैस्टर शुगर, वही ग्रैनुलेटेड शुगर जिसका ग्रेन बहुत बारीक होता है और वो बहुत जल्दी से इसमें डिसॉल्व हो जाती है। आप लोग चाहें तो आप लोग घर की भी चीनी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक बीटिंग करनी पड़ेगी, लाइक जब तक उस चीनी का ग्रेन डिसॉल्व ना हो जाए यू कीप ऑन बीटिंग। अगर ग्रेन बीच में रह जाएगा तो वो केक के टेक्सचर को ख़राब करेगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया स्प्लैश ऑफ वनीला एसेंस एंड वी आर डन। ये आप लोग देख सकते हैं रिबन फॉर्म होना शुरू हो गया है, बैटर उस पर से गिर के फ़ौरन डिसॉल्व नहीं हो रहा एंड इट इज़ स्टेइंग। नाउ वी विल ऐड द ऑयल इन थिन स्ट्रीम और जो हमारा बीटर है वो चलता रहेगा। ऑयल को हम लोग ऐड कर देंगे इसमें और इसको चलाते रहेंगे और ओवर मिक्स हमने इसको नहीं करना। वंस दिस इज़ डन, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस एंड योगर्ट। लेमन जूस इज़ 1 tablespoon। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने फ्रेश स्क्वीज़ किया था, इसके सीड्स आ गए थे बीच में, सो मैंने स्ट्रेनर रख के उनको रिमूव कर दिया। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया दही। क्वांटिटी सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। फिर से मैंने 60 seconds के लिए ऑलमोस्ट बीटर को चलाया। जब सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो गया तो फिर मैंने इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर जो सिफ्टर में मैंने डाल के मेजर करके रखा हुआ था वो मैंने अपने बैटर के ऊपर, एग्स एंड शुगर वाले मिक्सचर के ऊपर इसको ऐसे सीव कर दिया अच्छी तरह। सिफ्ट करने के बाद मैंने बीटर्स को रिमूव कर दिया, मशीन रिमूव कर दी और साथ में ये जो बंच पैन में से बादाम और मैदे का मिक्सचर था निकला था वही मैंने उसी को ही बीच में ऐड कर दिया। और साथ में ये जो नट्स हैं इसमें मैंने 1 tablespoon एक्स्ट्रा मैदा ऐड करके इनको अच्छे से कोट करके फिर मैंने बैटर में ऐड किया। इससे ये होगा कि आपके जो नट्स हैं वो सिंक नहीं करेंगे। मोस्टली लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि जो हम नट्स जब भी फ्रूट केक में ऐड करते हैं तो नट्स बेस पे जाके बैठ जाते हैं। अभी जब मैं केक कट करूँगी तो फिर आप लोग देखिएगा कि कैसे नट्स जो हैं वो
इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे केक में, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सारे नट्स जो हैं वो सिंक हो गए। ये बस मैंने एक सेकंड के लिए इसमें एंड पे विस्क चलाया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि थोड़ा बैटर लंपी है। अब ये मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए और इसको बिल्कुल से हल्के हाथ पे फोल्ड कर लिया। बस ओवर मिक्स नहीं करना, दिस इज़ डन। अब मैंने ये जो पैन को ग्रीस किया हुआ था ये पूरा का पूरा बैटर इसमें ऐड कर दिया। अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पे, और हमेशा बताती हूँ 15 से 20 मिनट पहले अवन को प्री हीटेड रखें आप लोग, और 170 डिग्रीज पे ये 35 मिनट्स में बहुत ही बेस्ट बेक हो जाएगा। अगर आप लोगों को किसी स्टेज पे ऐसा लगे कि 35 मिनट्स में अभी आपका स्कीवर वेट है जब आप उसको निकालते हैं तो उस पर क्रम लगा हुआ है, तो आप 5 मिनट्स के लिए और बेक कर लें। ये मैंने इसको अवन के सेंट्रल रैक पे प्लेस किया और अवन को मैंने 170 डिग्री पे कर दिया, जो उसका टेम्परेचर मैंने हीटेड रखा था 180 पे, प्री हीट 180 पे किया था, बट लेटर ऑन आई स्विच्ड इट टू 170 डिग्री वंस आई प्लेस द केक इन इट। अभी आप लोग देखें 35 मिनट्स में कितना प्यारा ऊपर से गोल्डन टॉप है इसका, और स्कीवर भी बिल्कुल क्लीन है। सो आवर केक इज़ रेडी। इसको मैं उसी तरह से फ़ौरन थिन फिल्म में रैप कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल से बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉइस्ट रहे। अब हम तैयारी करते हैं अपनी कैरमल सॉस की। ये मैंने ली है 1 कप के बराबर चीनी और आधा कप के बराबर पानी। नाउ आई विल पुट इट ऑन द स्टोव और इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे मैं कुक करूँगी। हाई फ्लेम आपने नहीं करना, चीनी जल जाएगी, कैरमल कड़वा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि हमारी कैरमल सॉस अच्छी नहीं बनी। सो ये थोड़ा पेशेंस का काम है। कीप द पेशेंस एंड कीप इट कुकिंग अंटिल इट बिकम्स गोल्डन। ये देखें अच्छा सा ये बबलिंग बॉयल होने लग गया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये साइड्स पे से जो है अपना कलर चेंज करेगा। जब तक ये कलर चेंज करना नहीं शुरू होता आपने इसको स्टर नहीं करना। अगर आपने शुरू में ही स्टर कर दिया चीनी के ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे और आपका कैरमल सॉस जो है वो ग्रेनी हो जाएगा और चीनी डिसॉल्व नहीं होगी। ये देखें कितना प्यारा इसका कैरमलाइज कलर हो गया है। अब इसको स्टोव से रिमूव करना है और आपने ऐड कर देनी है 1/2 कप के बराबर हैवी क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम, मिल्क पैक ले लें, ऑलपस ले लें, या जो भी आपके पास अवेलेबल है अनस्वीटेंड हो वो आपने इसमें 1/2 कप के बराबर क्रीम ऐड कर देनी है। ये बहुत सिजल करेगा लेकिन आपने घबराना नहीं है, बस आपने इसको ऐसे स्टर करते जाना है। अब जब ये रेडी हो गया है तो अगर आपको लगे कि जो कैरमल सॉस की कंसिस्टेंसी वो स्मूथ नहीं है तो आप 1-2 मिनट के लिए इसमें बीटर चला सकते हैं, मैंने भी चला दिया था। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है पूरा का पूरा 1 टेबलस्पून मक्खन का, जस्ट 1 टेबलस्पून। इससे इसमें बहुत ही बटरी सा टेक्स्चर आ जाएगा और विस्क से ही आपने इसको विगरसली स्टर करते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर दूध 2 हिस्सों में। पहले आप 1 स्प्लैश ऐड करेंगे एंड देन द अदर वन, और इसको मुसलसल आप हलाते रहेंगे, लेकिन आपने आग जो है फ्लेम जो है वो बहुत ही स्लो रखना है, बहुत ही स्लो, अदरवाइज़ जो आपकी सॉस है जो कैरमल है वो बर्न हो जाएगा। ये मैंने 1 हिस्सा डाला दूध का, 1 स्प्लैश ऑफ मिल्क एंड केप्ट इट स्टिरिंग। जब ये मिक्स हो गया तो फिर मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया, लाइक ये टोटल जो है 1/4 कप के बराबर दूध इसमें गया है, 1/8 पहले और फिर से 1/8। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आइडियल बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ना तो ये बहुत लिक्विड थी कि केक में अब्जॉर्ब हो जाए, और ना ही ये इतनी ज़्यादा थिक थी कि केक के ऊपर पोर करने में ही आपको बहुत मुश्किल हो। इस स्टेज पे आप लोग इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी सॉल्ट के ऐड की थी। अगर आप इसको सॉल्टेड कैरेमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1/4 से लेके 1/2 टीस्पून तक जितना भी सॉल्ट आपको पसंद है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। केप्ट इट असाइड टू गेट कूल। अब हम लोगों ने ये फॉइल उतार दी है केक पे से, और आप देखें कितना प्यारा सा ये ज़बरदस्त किस्म का केक हमारा रेडी है। इसके ऊपर मैंने केक बोर्ड रखा, थोड़ा सा इसको टैप किया और आराम से मैंने जब ये लिफ्ट किया तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना कोई ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह केक जो है वो हमारा बन के तैयार है। और जब ये केक आपका ऐसे बेहतरीन सा पैन से आउट होता है ना, तो यू नेवर नो द हैप्पीनेस जो किसी एक बेकर को मिलती है। अब हम क्या करेंगे, एक टॉल ग्लास लेंगे, उस पर एक पाइपिंग बैग रखेंगे और उसको इसके ऊपर इस तरह से आप चढ़ा दें ताकि जब आप सॉस डालें तो कहीं भी स्पिल ड्रॉप ना हो, ना तो आपके हाथ गंदे हो और ना आपकी एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स गंदी हो। ये इस तरह से मैंने इसमें पोर कर दिया क्योंकि मीठा है ये, जहाँ जहाँ लगता है सारा का सारा सब कुछ जो है वो स्टिकी हो जाता है। नाउ जस्ट लिफ्ट द बैग इस तरह से, और ये जो टिप है आपने इसको कट कर लेना है। ये मैंने साइड पर रख दी थी ताकि मैं एक दफ़ा केक को सेट करके, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने टिप को कट किया
और आराम से मैंने ये केक, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, ना तो ये अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही है और ना तो ऐसी है कि बिल्कुल ही थिक इतनी हो के पोर ना हो सके। ज़बरदस्त किस्म की आपकी कैरेमल सॉस रेडी है, लशियस, ग्लॉसी, वाइब्रेंट। और अब आप इस पर डालेंगे थोड़े से एक्स्ट्रा नट्स जस्ट टू मेक इट लुक एक्स्ट्रावेगेंट। मैंने पिस्ताशियोज़ को थोड़ा सा कूट लिया था और आलमंड्स को मैंने थोड़ा सा स्लाइस्ड में काट लिया था और फिर वो मैंने इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ढेर सारे लशियस नट्स स्प्रिंकल कर दिए, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती तो बढ़ ही गई लेकिन इसका टेस्ट भी ऑब्वियसली बहुत ही कमाल का। सेंटर में भी मैंने थोड़ी सी सॉस डाल के और उस पर भी नट्स लगा दिए थे और ये आलमंड स्लाइसेस। सो हियर यू गो विद ओह सो गुड ड्राई फ्रूट केक विद द टॉपिंग्स ऑफ होममेड कैरेमल सॉस, एक्स्ट्रा नट्स, माउथ मेल्टिंग टेक्सचर एंड दिस इज़ जस्ट डिवाइन। अगर आप इतना बड़ा केक नहीं बनाना चाहते, ऑल्दो कि दिस इज़ जस्ट ऑफ टू एग्स, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू स्प्लिट इट इन टू, तो आप एक एक पाउंड के दो केक्स भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अप टू यू, ऑल योर चॉइस। डू गिव इट अ ट्राई, डू लेट मी नो हाउ इट टर्नड आउट इन योर किचन। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कीप फॉलोइंग फ्रेश फ्रॉम द ओवंस। मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।